नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सॉल्यूशंस का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड गैसेस इन दी लिक्विड्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट में हेनरी लॉ पढ़ा था, उसकी लिमिटेशंस पढ़ी थी और अप्लीकेशंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रोल्स लॉ। वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का क्या होता है, रोल्स लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, उन सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट आपका कोई भी हो सकता है, बट हम अपनी स्टडीज में बाइनरी सिस्टम तक ही रखेंगे। एक सॉल्यूट होगा, एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और हमारा जो सॉल्यूट होगा या लिक्विड होगा या क्या होगा, सॉलिड होगा, इन तक ही हम अपनी स्टडी को क्या करें, कन्फाइन करेंगे। अब सबसे पहले पढ़ते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, क्या है, इसमें हमने एक वेसल लिया है। इस वेसल के अंदर क्या लिया है, कोई भी लिक्विड लिया है, कोई भी लिक्विड है, और क्या हो सकता है, कोई सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। कैसा वेसल है, एवैक्यूएटेड वेसल है। इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं, एयर भी नहीं है, वैक्यूम है इसके अंदर, एवैक्यूएटेड वेसल है। और इसको किस में रखा गया, थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट का मीनिंग क्या है, अब इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कैसा टेम्परेचर रहेगा, फिक्स। थर्मोस्टेट का मीनिंग है, थर्मोस्टेट मीन अब इस वेसल का क्या रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। दैट मीन 25 डिग्री, 30 डिग्री, कितना भी हो सकता है वो। अब इस वेसल को क्या है, एक मैनोमीटर से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया है। क्या होगा, अब एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, इस लिक्विड के क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। और इन वेपर की संख्या क्या होती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी। हमें कैसे पता लगेगा कि वेपर की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि इस मैनोमीटर में जो मरकरी का लेवल लगातार क्या होता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये मरकरी का लेवल क्या है, एक जगह पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या होगा, इन वेपर्स की संख्या, इन वेपर्स की संख्या, सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर बने हैं, इनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इनकी कंसंट्रेशन, मात्रा भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में सिर्फ कौन सी प्रोसेस हो रही थी, इवेपोरेशन। कौन सी प्रोसेस हो रही थी, इवेपोरेशन। वेपर्स बन रहे इसके, ठीक है। इवेपोरेशन, जैसे जैसे वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए, तो इवेपोरेशन के अपोजिट प्रोसेस कौन सी होती है, कंडेंसेशन। कौन सी होती है, कंडेंसेशन। वो प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इवेपोरेशन का रेट शुरू में क्या था, ज़्यादा है। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा है, टाइम के साथ ये कम होता जाएगा। कंडेंसेशन का रेट कम है, टाइम के साथ ये बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे दोनों के रेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। अब जितने वेपर बनेंगे साथ में उतने कंडेंस होते जाएंगे। मीन वेपर्स की अमाउंट क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसलिए ये वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। स्टार्टिंग में प्रेशर क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि वेपर की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। वेपरेशन की संख्या क्या हो रही, सॉरी वेपर्स की संख्या क्या थी, बढ़ रही थी। अब वेपर्स जब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। तो वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स। सिंपली बात ये है, वेपर प्रेशर क्या है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ ए लिक्विड और सॉल्यूशन विच आर इन इक्विलिब्रियम विद सॉल्यूशन और लिक्विड्स। तो वेपर प्रेशर की सिंपल सी डेफिनेशन है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद, इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। तो क्या है, इन वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा, ठीक है। और ये वेपर किसके साथ इक्विलिब्रियम में, आपके लिक्विड के साथ क्या इक्विलिब्रियम में है, तो इस प्रेशर को कौन सा प्रेशर कहेंगे, हम वेपर प्रेशर कहेंगे। प्रेशर वेपर्स के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कौन सा कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग में देखो वेपर्स बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर बढ़ते जाएंगे, वेपर प्रेशर लगाएंगे, मैनोमीटर में मरकरी ऊपर जाता जाएगा, एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। बिकॉज द सिस्टम हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। इक्विलिब्रियम मीनिंग बैलेंस। दोनों ही प्रोसेस क्या होगी, अब रेट क्या हो गया इनका, इक्वल हो गया, इसका मतलब है ये।
ठीक है। तो प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट? वेपर प्रेशर। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, कौन से फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे? सबसे पहला है नेचर ऑफ द लिक्विड। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ द लिक्विड। अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होता है। क्यों? बिकॉज जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के क्या है मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच जो फोर्स होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसी भी, मान लिया कोई भी दो लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, दोनों लिक्विड आपने लिए हैं, तो यहाँ पे ए के वेपर बनेंगे, यहाँ किसके वेपर बनेंगे, बी के वेपर बनेंगे। एक में ए के वेपर बनेंगे, एक में किसके वेपर बनेंगे, बी के वेपर बनेंगे। अब ए के वेपर ज़्यादा बनेंगे या बी के वेपर ज़्यादा बनेंगे, किस पर डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जैसे ए के मोलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है ये, और सिमिलरली बी है जो बी के मोलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है, यदि ये फोर्स वीक होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होंगे, वीक होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होंगे, यदि क्या होंगे, वीक होंगे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स आसानी से क्या कर देंगे, सरफेस को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, और वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मोर विल बी द वेपर प्रेशर, वीकर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज मोर विल बी द वेपर प्रेशर, बिकॉज जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा मोलिक्यूल्स के बीच में, उतना ही आसानी से ये सरफेस को क्या करेंगे, छोड़ के क्या किस में आ जाएंगे, लिक्विड फेज से किस में आ जाएंगे, वेपर फेज के अंदर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर था ये। सेकंड फैक्टर जो है आपका टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर इज व्हाट, टेम्परेचर। टेम्परेचर सेकंड फैक्टर, देखो टेम्परेचर भी क्या है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर नॉर्मली बढ़ता है। जब टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज। दिस इज बिकॉज एज वी इंक्रीज द वेपर प्रेशर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज। एज द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बिकम बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम वीकर। एज इंटरमोलिकुलर फोर्स बिकम वीकर द वेपर, एज इंटरमोलिकुलर फोर्स बिकम वीकर द मॉलिक्यूल्स विल लीव द सरफेस ईजिली। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, लिक्विड सरफेस को आसानी से क्या कर देंगे, लीव कर देंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या है, उनके बीच का इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे, वीकन हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। और इससे क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है इस सरफेस को आसानी से क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, और वेपर प्रेशर क्या होगा आपके लिक्विड का या सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दो फैक्टर है, नेचर ऑफ द लिक्विड और दूसरा क्या था, टेम्परेचर। नेचर ऑफ द लिक्विड और सेकंड क्या था, टेम्परेचर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अब इसमें, रोल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रोल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड रोल्ट्स लॉ, एंड रोल्ट्स लॉ, ठीक है, एंड रोल्ट्स लॉ, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है, कोई मान लिया आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, वन इज सॉल्यूट। इस सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट हैं, दो कंपोनेंट है, वन इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट। और दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है, दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल। वोलेटाइल मीन क्या हो गया, जिनके क्या बनते हो, वेपर्स बनते हो, जिनके क्या बनते हो, ऐसे सब्सटेंस जिनके क्या बनते हो, वेपर्स बनते हो, उनको क्या बोलेंगे, वोलेटाइल बोलेंगे। तो सॉल्यूशन लिया हमने जिसमें दोनों ही कंपोनेंट क्या हमारे, दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, वोलेटाइल है, ठीक है। तो जब मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन के ऊपर वेपर्स बनाएंगे, सॉल्यूट के भी वेपर बनेंगे और सॉल्वेंट के भी क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे। जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, जब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा, वेपर्स की मात्रा जब क्या कह रहे हैं हमें, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, वेपरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाएगा।
तो इक्विलिब्रियम जब रीच हो जाएगा, इसके दोनों ही कंपोनेंट क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, दोनों ही कंपोनेंट क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। उस प्रेशर को क्या बोल लेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। कौन सा प्रेशर कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, उस कंपोनेंट उसको क्या कहेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई ईच कंपोनेंट एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज व्हाट, पार्शियल प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। ठीक है, वैसे पार्शियल प्रेशर जैसे डाल्टन लॉ होता है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मीनिंग क्या था, पार्शियल प्रेशर प्रेशर से थोड़ा सा डिफरेंस इन दोनों में क्या है, यदि इतने ही वॉल्यूम के अंदर सेम कंडीशन के अंदर अकेला लिक्विड ए ले लिया जाए, सेम कंडीशन के अंदर यदि अकेला लिक्विड अकेला सोल्यूट ले लिया जाए, और वो प्रेशर जो लगाएगा वो क्या कहलाएगा, उसका पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। समझ आई बात, इतने मीन पार्शियल प्रेशर प्रेशर से थोड़ा सा डिफरेंस है। मीन पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या है, भी सेम इतने ही वॉल्यूम के अंदर सेम कंडीशन में अकेला ए होता है, यहाँ पे अकेला सोल्यूट हो आपका मान लो, और वो जो प्रेशर लगाएगा उसका कौन सा प्रेशर कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कंपोनेंट क्या लगाएंगे, पार्शियल प्रेशर लगाएंगे। और इस पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू होगी, इस पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू है किसके ऊपर डिपेंड करती है, दैट विल डिपेंड अपॉन दी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन दी प्योर स्टेट। तो एक बार इसको देखो, रिकॉल करते हैं क्या है, हमने सॉल्यूशन लिया, दोनों ही कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल है तो दोनों के क्या बनेंगे, वेपर बनाएंगे, और दोनों ही कंपोनेंट के इक्विलिब्रियम पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। उस प्रेशर को कौन सा कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अभी पार्शियल प्रेशर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। भी सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, मीन सॉल्यूशन के अंदर इनकी मात्रा कितनी है। जितनी ज़्यादा मात्रा होगी मोल फ्रैक्शन, जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर भी क्या है, पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा लगाएंगे। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि प्योर स्टेट का मीनिंग क्या हुआ, आप अकेला आपके पास सॉल्यूट है और अकेला आपके पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर, भी प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर कितना है, ठीक है, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, इनके ऊपर भी क्या है, डिपेंड करता है। तो रोल्ट ने क्वांटिटेटिवली इसका इफेक्ट पढ़ा और रोल्ट ने क्या है, ला दिया। उस ये ला क्या कहता है, इन ए सोल्यूशन, इन ए सोल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन प्योर स्टेट। ये कौन सा ला है, रोल्ट्स ला। कौन सा ला है, ये रोल्ट्स ला। क्वांटिटेटिवली उसने ये बताया था कि किसी भी कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में क्या होगा, किसी भी कंपोनेंट, मान लिया हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट ए और बी, ए इज सॉल्यूट, बी इज सॉल्वेंट मान लेते हैं। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा पी ए, वो किसके बराबर होगा, इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में हम क्या मान लेते हैं, एक्स ए, मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर इसी कंपोनेंट का कौन सी स्टेट में, प्योर स्टेट में, पी नॉट ए, पी नॉट ए, पी नॉट ए इज बट वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। सिमिलरली पी बी क्या होगा, एक्स बी मल्टीप्लाई बाई पी नॉट बी, एक्स बी मल्टीप्लाई बाई पी नॉट बी। तो रोल्ट का लॉ क्या कहता है कि सॉल्यूशन के अंदर जितने मान लो दो कंपोनेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है। अब दोनों ही कंपोनेंट क्या लगाएंगे, यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। ए कंपोनेंट जो प्रेशर लगाएगा ये है, बी कंपोनेंट जो प्रेशर लगाएगा ये है। ये जो प्रेशर लगाएगा किसके बराबर होगा, इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर इसी का प्योर स्टेट के अंदर, ठीक है। सिमिलरली पी नॉट बी भी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट।
ठीक है, तो ये है रोल्स लॉ। अब पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट? पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो पी एस को क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए एक्स बी इंटू पी नोट बी। एक्स ए इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी, दैट इज इक्वल टू पी एस। दैट इज वाटर, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये किसका वेपर प्रेशर है? सोल्यूशन का क्या है? वेपर प्रेशर है। इसको इक्वेशन को और थोड़ा मॉडिफाई हम कर सकते हैं, जैसे पी एस इज इक्वल टू एक्स ए की जगह क्या रख दिया हमने, वन माइनस एक्स बी इंटू पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है, वन। ये हमने मोल फ्रैक्शन के अंदर पढ़ रखा है, कितने भी कॉम्पोनेंट हो उनके मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, वन होता है। ठीक है, तो अब इसको पी एस इज इक्वल टू वाटर पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, इंटू एक्स बी, तो पी एस इजिकल टू पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नोट ए, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम ग्राफिकली पढ़ेंगे। देखो पी नोट ए और पी नोट बी क्या है, दीज आर द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट पे है, और फिक्स टेम्परेचर के ऊपर इनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, फिर सी इज बट इंटरसेप्ट, एम इज द स्लोप, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की क्या है, इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन की क्या है, इक्वेशन है। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई हो गया, और ये जहाँ इस पर काटेगी ये क्या हो गया, इसका इंटरसेप्ट, सी की वैल्यू देगा, और इस लाइन का स्लोप क्या है, एम। इसको इसी इक्वेशन से क्या हम कंपेयर करते हैं, और हम क्या करते हैं ग्राफिकली इसको पढ़ते हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे और इसको स्टडी आउट करते हैं। ठीक है, पहले तो हम ग्राफ ड्रा करते हैं फिर देखते हैं इसको। सबसे पहले हमने क्या लिया, दो एक्सिस है हमारे पास, यहाँ पे क्या है हमारे पास एक्स ए इज इक्वल टू वन, एक्स बी इज इक्वल टू जीरो। एक्स ए इज इक्वल टू वन का मीनिंग क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ अब कितना कंपोनेंट है, एक ही कंपोनेंट है, मेरे पास सिर्फ सॉल्यूट है, ए को हम सॉल्यूट कह देते हैं, बी को सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट है किसी न किसी टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे, तो इस टाइम पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, क्योंकि अकेला ए है, तो वो मैं मान लेता हूँ कितना है, पी नोट ए। पी नोट ए क्या मान लिया हमने, पी नोट ए मान लिया वो। ठीक है, अकेला ए है हमारे पास किसी टेम्परेचर पे, इस टाइम पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना मान लिया हमने, पी नोट ए, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। अब क्या किया, ए के अंदर हमने क्या ऐड करना स्टार्ट कर दिया, बी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ए के अंदर जैसे ही बी ऐड करना स्टार्ट करेंगे, एक्स ए की वैल्यू क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है, वन होता है। तो एक्स बी जब बढ़ेगा तो एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा था सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर पी ए किसके इक्वल है, एक्स ए इंटू पी नोट ए, ये रिलेशन पढ़ा था। तो जैसे ही एक्स ए कम होगा तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। पी ए की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, डिक्रीज होती जाएगी ये वैल्यू। यहाँ पे क्या है, एक्स ए इजिकल टू जीरो और एक्स बी क्या है, वन है। एक्स ए जीरो हो तो उस कॉम्पोनेंट का पार्शियल प्रेशर भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ देखें एक्स बी वन है, अकेला कंपोनेंट कौन सा आपका, बी है, बी अकेला कंपोनेंट है, तो फिक्स टेम्परेचर पे इसका जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, वो कितना मान लेते हैं, पी नोट बी मान लेते हैं। तो सिमिलरली हमने देखो ये है पी बी किसके इक्वल होता है, एक्स बी इंटू पी नोट बी, एक्स बी इंटू पी नोट बी। तो ए के अंदर बी एड किया था तो बी जैसे इस साइड जाएंगे तो बी की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और इस साइड आएंगे तो ए की वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे ही बी के अमाउंट बढ़ती जाएगी पी बी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो पी बी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन किसके लिए है, पी ए इजिकल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए, और ये किसके लिए है, पी बी इजिकल टू एक्स बी इंटू पी नोट बी। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है
दैट इज फॉर सॉल्यूशन, दैट इज फॉर सॉल्यूशन, पी एस इजिकल टू पी ए प्लस पी बी। तो किसी भी इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन पे मुझे सॉल्यूशन का यदि पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या करो, मान लो इस कंसंट्रेशन पे इसमें क्या है, कुछ अमाउंट ए है, कुछ अमाउंट में क्या है बी है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो ये होगा, इस कंसंट्रेशन पे क्या है ये होगा। तो अलग अलग कंसंट्रेशन पे सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो अब इस ग्राफ से हम क्या कौन कौन से पॉइंट कंक्लूजन निकालते हैं, इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो देखो क्या है, रोल्ड लॉ तभी अप्लीकेबल होता है जब दोनों कंपोनेंट क्या हो आपके, फर्स्ट कंक्लूजन तो यही है, रोल्ड लॉ तभी अप्लीकेबल होगा जब दोनों कंपोनेंट क्या हो आपके मिसिबल हो, दोनों ही कंपोनेंट क्या हो आपके मिसिबल हो, मीन क्या हो, दोनों ही कंपोनेंट मिलके होमोजेनियस मिक्सचर बनाए आपके, ठीक है। दोनों कंपोनेंट मिलके कैसा मिक्सचर बनाए आपका, होमोजेनियस मिक्सचर बनाए, तब रोल्ड लॉ अप्लाई होगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसके अंदर, सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट जो है इसका एक्स ए और एक्स बी क्या डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द लिक्विड स्टेट। अब जैसे एक्स ए और एक्स बी दोनों वोलेटाइल है, एक्स ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों क्या आपके वोलेटाइल है, वोलेटाइल है तो क्या होंगे, वेपर दोनों के ही बनेंगे, वेपर क्या है दोनों के ही बनेंगे, बट वेपर फेज के अंदर, वेपर फेज विल बी रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, वेपर फेज में किसके वेपर ज़्यादा होंगे, जो कंपोनेंट आपका क्या होगा ज़्यादा वोलेटाइल होगा, मीन जिसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा। अब इस ग्राफ से देखने से हमें पता लगता है, देखो प्योर स्टेट में ये पी नोट ए है और बी का क्या पी नोट बी है, ऊपर है ना इससे, तो हमने क्या मान रखा है, सपोज कर रखा है बी कंपोनेंट क्या है ए से क्या है ज़्यादा वोलेटाइल है, तो बी के वेपर क्या होंगे ज़्यादा बनेंगे, ए के वेपर क्या होंगे बी से कम बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड पेयर विच ओबे रोल्ड्स लॉ, जो रोल्ड लॉ को ओबे करते हैं उनको कौन से सॉल्यूशन बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, कौन से सॉल्यूशन बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन को कहा जाएगा। प्रैक्टिकली कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता, फिर भी या बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन हो, या जिनके ऐसे सॉल्यूट सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट लेंगे जिनकी केमिकल सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा हो, जैसे क्या है बेंजीन प्लस टोलविन, बेंजीन और टोलविन का जो मिक्सचर है कैसा मिक्स बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। सिमिलरली दैट में बी क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब देखो और इसमें पॉइंट हम देखते हैं, जब हम क्या करेंगे ए के अंदर बी को ऐड करते हैं, ए के अंदर हमने क्या लिया ए लिया और ए के अंदर क्या ऐड कर दिया बी ऐड कर दिया, ठीक है। ए के अंदर बी ऐड करने से क्या है, इस लाइन का जो स्लोप कहाँ जा रहा है अपवर्ड जा रहा है, क्या जा रहा है अपवर्ड जा रहा है, मतलब ए के अंदर हमने बी ऐड जब किया है तो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर क्या होता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब क्या है बी ज़्यादा वोलेटाइल है किससे ए से, तभी तो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता गया बढ़ता गया। और इसी लाइन को आप यदि इस ग्राफ को यहाँ से पढ़ते हैं, हम यहाँ से पढ़ते हैं बी के अंदर ए डालें, यदि हम यहाँ क्या लें बी लें और बी में क्या ऐड करें, हम ए को क्या करें ऐड करें, तो इसका स्लोप कहाँ जा रहा है, अब डाउनवर्ड आ रहा है, कहाँ आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है, मतलब जैसे जैसे ए की अमाउंट बढ़ेगी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया कम हो गया, इसका मतलब क्या है ए लेस वोलेटाइल है, ए क्या है लेस वोलेटाइल है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या है वेपर फेज में भी कंपोजिशन निकाल सकते हैं, वेपर फेज में क्या निकाल सकते हैं इनकी कंपोजिशन निकाल सकते हैं, जैसे एक्स ए और एक्स बी क्या रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट, सिमिलरली वाई ए एंड वाई बी, वाई ए एंड वाई बी रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड इन सॉरी वेपर स्टेट, किस स्टेट में वेपर स्टेट में, तो वाई ए कैसे निकालेंगे, वाई ए इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी, सिमिलरली वाई बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई ए इज इक्वल टू पी ए बटा
पी टोटल, ठीक है। सिमिलरली वाई बी इजिकल टू पी बी बटा पी टोटल। तो इस प्रकार हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेपर फेज में, कौन से फेज में, वेपर फेज के अंदर भी कंपोजिशन हम क्या है निकाल सकते हैं। एक्स ए और एक्स बी तो क्या है लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन है, वाई और वाई बी क्या है वेपर फेज के अंदर है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ फेज डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, ठीक है। तो जैसे वाई ए ज़्यादा कब होगा, जब पी ए ज़्यादा होगा। वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन कब ज़्यादा होगा, जब उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा उस कंपोनेंट का, ज़्यादा होगा, मीन ज़्यादा वोलेटाइल होगा वो, सीधी सी बात है ये, ठीक है। तो ये रोल्ट्स लॉ किसके लिए था हमारा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए क्या था ये, रोल्ट्स लॉ था हमारा, ठीक है। बहुत इजी, इसमें रोल्ट लॉ को एक बार और डिफाइन कर देते हैं हम, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू प्योर स्टेट। सॉल्यूशन के अंदर यदि मोल फ्रैक्शन ज़्यादा का मतलब क्या है, सॉल्यूशन के अंदर मात्रा, यदि सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट की अमाउंट ज़्यादा है तो उसके वेपर्स भी क्या बनेंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब हम पढ़ते हैं रोल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब हमने क्या लिया, सॉल्यूशन है हमारा, उसमें जो सोल्यूट होगा हमारा कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। नॉन वोलेटाइल का मीनिंग क्या है, अब इस सोल्यूट के क्या नहीं बढ़ेंगे, वेपर्स नहीं बढ़ेंगे। इस सोल्यूशन के क्या नहीं बढ़ेंगे, वेपर नहीं बढ़ेंगे, किसके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के वेपर अब नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए हम देखो एक एक्टिविटी पढ़ते भी, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन बना है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। एक बिक्र में हमने क्या ले लिया, प्योर सॉल्वेंट ले लिया, दूसरे में क्या, सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट कैसा हमारा, नॉन वोलेटाइल है। तो देखेंगे तो ये ऑब्जर्व किया जाता है, जो प्योर सॉल्वेंट है, जो हमारा क्या है प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो वेपर प्रेशर है ग्रेटर देन क्या होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। कौन सा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट कैसा है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल कैसा है हमारा सॉल्यूट इसमें ऐड किया हुआ है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो प्योर सॉल्वेंट लिया है तो प्योर सॉल्वेंट में तो क्या होगा, पूरी सरफेस है, पूरी सरफेस से क्या बनेंगे, यहाँ से वेपर्स बनेंगे, ठीक है। परंतु जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, सरफेस का कुछ हिस्सा क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ऑक्यूपाई करेगा, जहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे सॉल्यूशन में, मीन वहाँ से वेपर अब नहीं बढ़ेंगे। तो इस सरफेस की कुछ साइड्स को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देता है, क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, कौन कर देते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल क्या कर देंगे, कुछ साइड को ब्लॉक कर देंगे। अब यह साइट ही ब्लॉक होगी तो वेपर क्या बनेंगे, लेस बनेंगे, वेपर क्या बनेंगे, लेस बनेंगे, लेस वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेस होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेस होगा। तो इसी प्रकार इसलिए क्या देखा हमने, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया हमने, ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके लिए रोल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, रोल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो होगा, इसके लिए हम रोल्ट्स लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू रोल्ट्स लॉ क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, कौन सी स्टेट में, प्योर स्टेट के अंदर। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कैसा हमारा, नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा अलोन किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से है, क्योंकि सॉल्यूट के तो क्या है, वेपर ही नहीं बनने, सॉल्यूट के तो क्या नहीं बनने, वेपर ही नहीं बनने, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ दी
वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये लाइन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास यदि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है तो सॉल्यूट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, उसके जो वेपर नहीं बनेंगे। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा अलोन किसकी वजह से होगा, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसकी वजह से, सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की वजह से है। तो इस इक्वेशन का हम इक्वेशन मान लो इसको हम टू कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं वन कह देते हैं। तो टू का यूज़ हम वन में करते हैं, इस टर्म की जगह ये वाली टर्म हम पुट कर देंगे। तो क्या बन गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो अब इनके लिए हम क्या है सिंबल्स यूज कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिख लेते हैं, पीएस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है इसको हम क्या लिख लेते हैं एक्स वन, और वेपर प्रेशर को क्या लिख लेते हैं प्योर स्टेट में, इसको लिखते हैं पी नोट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, पी नोट। अब ध्यान से देखें, पी नोट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, फिक्स टेम्परेचर पर क्या है जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का क्या होगा, फिक्स होगा। तो मैं यहाँ से एक चीज़ लिख सकता हूँ, पी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वन, क्योंकि पी नोट तो क्या है कॉन्स्टेंट है। तो जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं किसमें, एक्स वन में और पी एस में, पी एस इज व्हाट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स वन क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये ग्राफ कैसा आता है, दैट विल कम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट का तो यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, सॉल्यूट कैसा है हमारा नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट कैसा है नॉन वोलेटाइल है। जैसे जैसे एक्स वन की अमाउंट क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा आपका, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो पी एस डिवाइड बाई इस इक्वेशन से पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन, दोनों और वन क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो क्या आया, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स वन को क्या लिख देते हैं हम, एक्स टू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक्स टू। अब इन टर्म्स को देखते हैं, पी नॉट माइनस पी एस क्या हुआ, पी नॉट इज व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, पी एस इज इक्वल टू व्हाट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स टू इज व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस, देखो पी नॉट क्या है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पी एस क्या है सॉल्यूशन का, इन दोनों का डिफरेंस को क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इतना लोअरिंग हुई। और पी नॉट माइनस पी एस को क्या कहेंगे, पी एस, ये क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पी नॉट की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल 100 एटमॉस्फेयर हमने मान लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल पी एस की वैल्यू क्या मान ली हमने, 80 एटमॉस्फेयर मान लिया। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 20 हो गया, कितना हो गया 20 एटमॉस्फेयर। अब ध्यान दो, एक्स टू यदि उसके अंदर और सॉल्यूट डाल दें, हम क्या कर दें और सॉल्यूट डाल दें, और सॉल्यूट डालेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा। मान लो 80 से कितना हो जाता है वो, 40 एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो डिफरेंस कितना हुआ, 100 में से 40 गया, क्या हो गया 60 हो गया। तो जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सॉल्यूट की मात्रा बढ़ती जाएगी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, सॉल्वेंट से और ज़्यादा कम क्या है, होता जाएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। देखो पी नॉट तो क्या रहना है, कॉन्स्टेंट रहना है, घटना किसको है, पी एस को।
तो जैसे जैसे सोल्यूट डालते जाओगे पीएच कम होता जाएगा, पीएच कम होता जाएगा तो ये डिफरेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो रोल्ट का लॉ क्या कहता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट माइनस पीएच डिवाइड बाय पी नॉट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्या है ये ला, क्या कहता है ये ला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये है रोल्ट का लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जैसे जैसे एक्स टू की मात्रा बढ़ती जाएगी, मीन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप डालते जाओगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया तो पी नॉट माइनस पी एस का ये डिफरेंस क्या होता जाएगा, आपका बढ़ता जाएगा। इस टर्म को याद रखना, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, सबसे पहले ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है, आगे आएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इनके बेस्ड पे न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपली आपको क्या है, सारा डाटा गिवन होगा, सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है, इजी से न्यूमेरिकल, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, होप समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई किसी को प्रॉब्लम है तो कल भी बताया था, मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 9466234687, इस पर मैसेज कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे तभी क्या है मोटिव फील होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ें इसको, और इसके टॉपिक को हम आगे भी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या है दोबारा से रीड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।